नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज वुमन स्टेट वुमन्स प्रेस क्लब द्वारा इंदौर के गांधी हॉल परिसर में शक्ति अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें 50 प्रदेश की प्रतिभाशाली महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। दरअसल इंदौर के गांधी हॉल परिसर में आयोजित किया गया है और ये आयोजन वुमन स्टेट प्रेस क्लब द्वारा पिछले 7 सालों से किया जा रहा है। इसके पूर्व भोपाल में इसका आयोजन कर चुके हैं और अब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। स्टेट वुमन्स प्रेस क्लब के संरक्षक रक्षा लॉरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हमारा महिला क्लब द्वारा मध्य प्रदेश की चुनिंदा वुमेन जिनके द्वारा समाज हित में योगदान दिया है, जिसमें हर फील्ड में वो महिलाएं शामिल हैं जिन्हें शक्ति अवार्ड से नवाजा है। आज ऐसे ही प्रदेश की 50 प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो वाकई में मध्य प्रदेश का गौरव है। आयोजक ने बताया कि शक्ति अवार्ड से पत्रकार महिलाओं को नवाजा गया। इसके लिए प्रदेश की कई महिलाओं की एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस बार 100 से अधिक आवेदन मिले थे जिन्हें कमेटी द्वारा 50 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है जिनको आज शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें पत्रकारों के अलावा लॉयर, डॉक्टर, सिविल जज, बैंक, रिकवरी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किया गया है। इस मौके पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी सभी अवार्डी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, साथ ही जिसमें भगोरिया नृत्य भी शामिल किया है जिन्हें झाबुआ से खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भगोरिया नृत्य का खूब आनंद लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति अवार्ड का प्रोग्राम पिछले 7 सालों से किया जा रहा है। ये हमारा 7वां आयोजन है। इसके पहले भी हम हर साल शक्ति अवार्ड का प्रोग्राम करते हैं। हम भोपाल और इंदौर में ये प्रोग्राम करते हैं और इस बार जो इंदौर में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि होली का उत्सव है तो हमने होली मिलन समारोह जिसमें इंदौर के लोग या बाहर के जो लोग आते हैं भगोरिया देखने धार झाबुआ जाते हैं, तो हमने इस बार जितने हमारे अवार्डी हैं नारी शक्ति यहाँ पूरे प्रदेश से यहाँ आई हुई हैं तो हम इनके लिए यहाँ पर भगोरिया की जो झाबुआ की टीम बुलवाई है ताकि भगोरिया उत्सव का आनंद हो, यहाँ ले और होली मिलन भी हो, साथ में शक्ति अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। इसमें हमने एक हमारे पास जो प्रोफाइल आती है, पहले हम प्रोफाइल मंगवाते हैं, चयन एक प्रक्रिया होती है, वो मैडम और 5 लोगों की हमारी कमेटी है, रचना मैम है और दिल्ली की एक मैडम है, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया जाता है। इस बार का जो खास इसलिए है क्योंकि इस बार हमारा भगोरिया उत्सव भी साथ में है, शक्ति अवार्ड तो है ही साथ में, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम प्रदेश की जो चुनिंदा महिला पत्रकार हैं या समाज सेवी हैं, चाहे जैसे इस बार देखेंगे तो सिविल जज हैं, एक बड़ा हमारे पास जो प्रोफाइल आई तो हमने देखा सिविल जज हैं, लेकिन एक साल उन्होंने मतलब दूसरे सर्वेंट का अर्चना जायसवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक क्वेश्चन नेतृत्व करता जी, पत्रकारों के अलावा बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं। 2 महीने पहले हम ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और हमारे पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई, उसमें से फिर हम 50 छाटते हैं और दिल्ली वुमेन्स प्रेस क्लब में भी हम भेजते हैं और फिर जब वहाँ से और हमारे यहाँ से अप्रूवल होता है तब हम साइन करते हैं उसमें। तो पत्रकार तो है हमारे बीच, लेकिन पत्रकारिता के अलावा बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपनी फील्ड में अलग काम कर रही हैं। जैसे हमने कुछ डॉक्टर्स को लिया है, हमने कुछ लॉयर्स को लिया है, हमने पहली बार सिविल जज को लिया, पहली बार हमने एक बैंक रिकवरी वाली लेडी हमको पहली बार मिली, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रोत्साहन देते हैं। एक है जो अपने फैमिली बिजनेस में पढ़कर अब एचआर और ऑपरेशंस हेड संभाल रही है, ऐसे लोगों को हम एक मौका देते हैं कि आप वुमेन्स प्रेस क्लब के स्टेज पे आइए और हम आपको ऑनर करेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम रचना जौहरी है और मैं संरक्षक हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।